यार आज बहुत दिनों बाद आज एक अल्ट वाला जी की वेब सीरीज देखो तो इसके बारे में आज क्या ही कहूँ आपसे। खैर इसको मॉडर्न डे कामसूत्रो बोले या कामसूत्रो प्रो बोले या आप लोग मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। खैर ये सीरीज़ आपको जी फाइव और अल्ट वाला जी दोनों पे देखने को मिलती है। इसमें टोटल 7 एपिसोड है जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 28 मिनट से लेके 18 मिनट्स के बीच में ही है। थैंक गॉड 7 है भाई, बहुत अच्छी बात है कि इसमें 7 एपिसोड है क्योंकि इससे ज़्यादा खैर बात करेंगे इस शो के प्लॉट की, जो कि कहानी शुरू होती है 16th सेंचुरी से, जहाँ पर हमें नजर आता है एक ऐसा किंगडम जिसका नाम है पौरुषपुर। अब यहाँ पर औरतों के लिए कुछ कानून है। पहला कानून यह है कि यहाँ की औरतें मर्द के नीचे रहेगी। दूसरा कानून यह है कि अगर किसी औरत का मर्द की मौत हो जाती है तो उस औरत को उसी वक्त सती होना पड़ेगा। तीसरा कानून यह है कि अगर किसी औरत का मर्द घर पर नहीं होगा तो उस वक्त उस औरत को यौनी बंद रखनी पड़ेगी। और चौथा यह कि अगर कोई औरत अपने मर्द के होते ही किसी और मर्द के साथ गैर संबंध रखे तो उस औरत को और उस मर्द को मार दिया जाएगा। खैर अब कहानी शुरू होती है जहाँ पर पौरुषपुर में एक राजा है जिसका नाम है भद्र प्रताप। अब इनकी 4 रानी गायब हो चुकी है, यानी कि मिसिंग हो गई शादी के कुछ दिनों बाद, और एक रानी मीरावती अभी भी जिंदा है, इनके साथ रहती है। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इनकी छठी रानी भी गायब हो जाती है। अब इसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आती है ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी पड़ेगी। खैर अब बात करेंगे शो के कॉन्सेप्ट की, जो कि अखंड चूतिया पाथा। कहानी किधर दी वो आपको फर्स्ट एपिसोड से लेके एंड तक नजर नहीं आएगी। और अगर इस शो को बनाने का मकसद ये था कि हर जेंडर एक समान वो दिखाना चाह रहे थे या औरतों को आज़ादी नहीं है तो उनको आज़ादी दिलाकर वो औरतों को कुछ अच्छा करवाना चाह रहे थे वो दिखाना चाह रहे थे, वो तो मेकर्स ही बेटर बता सकते कि वो आखिर यहाँ पर बताना क्या चाह रहे थे। खैर उसके शो में अगर कैरेक्टर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं जिसको इस शो में ऐसा लगता है कि हमें उनका डार्क साइड देखने को मिलेगा, मगर डार्क साइड तो नहीं, मगर जो जो साइड देखने को मिला है ना वो तो मैं क्या बोलूँ यार। और शो की सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो ऐसा लगता है कि हम लोग एकता कपूर का कोई सीरियल देख रहे हैं, और इसमें हमें कुछ CGI भी देखने को मिले, जो CGI कम ऐसा लगता है कोई पेंटिंग ज़्यादा लग रही थी। उसके अलावा शो में अगर एक्टर्स का परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर अन्नू कपूर, जिन्होंने अपनी लाइफ का मैं तो बोलता हूँ बेस्ट काम किया, और कौन करना नहीं चाहेगा जहाँ पर उनको अलग अलग लड़कियों के साथ करने को मिले। उनका एक यहाँ पर डायलॉग है जो मैं बताता हूँ, हम लोग साथ बड़े हुए, साथ जिए, साथ दुनिया जिंदगी का आनंद उठाया, मैं जिंदा हूँ तू मर क्यों गया, आज ऐसा बरसना। इसके आगे का डायलॉग आप लोग इस शो में देख लेना। ये डायलॉग मुझे इतना हंसाया था ना, जब ये डायलॉग हो रहा था ना पहले तो मुझे लगा ये आखिर चल के आ रहा है, लेकिन उसके बाद जब मेरे दिमाग की बत्ती जली तो मैं समझ गया कि वाओ ये सीन पूरे 2020 का अब तक का सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड सीन है मैं तो बोलूँगा, और इस सीन को पर्टिकुलर अवार्ड मिलना चाहिए। शो में जितने भी दूसरे एक्टर्स, चाहे वो शिल्पा शिंदे हो या मिलिंद सोमन हो, उन लोगों का काम मुझे डिसेंट ही लगा। और शाहिर शेख, जिनके यहाँ पर बहुत सारे फैंस जो इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे होंगे या उन्होंने वो सीरियल्स के बहुत बड़े फैन है, तो यहाँ पर बता दूँ कि शाहिर शेख का यहाँ पर उतना ही काम है जितने मिनट का ये वीडियो होने वाला है। उनका एज अ कैमियो ही है, और आगे चल के जो भी एक सरप्राइज रिवील होता है वो सरप्राइज कम था, वो चुतियापा ज़्यादा था। मुझे तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, वो कुछ भी भाड़ में गई ये सीरीज। इस शो में अगर नेगेटिविटी की बात करूँ तो कहानी जीरो है। सेक्स फर्स्ट सीन से लेके एंड तक आपको देखने को मिलता है। ऐसा लगता है ये लोगों ने कामासूत्रों का रीमेक बना दिया और कुछ नहीं है। ये शो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जो लोग अल्ट बालाजी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मैं इतना ही बोलूँगा कि इस सीरीज से जितना हो सके दूर रहो और इन्जॉय करो लाइफ को, यार सब चोट में मत पड़ो। मैं जा रहा हूँ, मुझे सर दर्द की दवा लेना है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।